हर हर महादेव। दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे भगवान शिव के परिवार से कि कैसे घमंडी व्यक्ति का पतन अवश्य होता है और कैसे भगवान श्री गणेश जी के सवारी बने एक छोटा सा चूहा। इसके पीछे की क्या कथा है और क्या कहानी है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े भगवान श्री गणेश जी की सवारी एक चूहा क्यों है? सभी देवताओं के पास एक से एक बढ़कर सवारियां हैं, लेकिन सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान श्री गणेश जी के पास छोटा सा मुस्क ही क्यों है? चलिए आपको बताते हैं आखिर भगवान श्री गणेश जी के पास ये सवारी कहां से आई और असल में ये मुस्क यानी चूहा कौन है। एक प्रचलित कथा के अनुसार अर्ध देवी और अर्ध राक्षसियों प्रवृत्ति वाला नर था कौंच। एक बार भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी मुनियों को बुलाया। इस सभा में कौंच को भी आमंत्रित किया गया, जहां गलती से कौंच का पैर एक मुनि के पैर पर रख गया। इस बात से क्रोधित होकर उस मुनि ने कौंच को चूहा बनने का श्राप दिया। कौंच ने मुनि से क्षमा मांगी पर वह ऋषि अपना श्राप वापस नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने एक वरदान दिया कि आने वाले समय में वो भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की सवारी बनेंगे। कौंच कोई छोटा मोटा चूहा नहीं था, वह एक विशाल चूहा था जो मिनटों में ही पहाड़ों को कुतर डालता था। उसका आतंक इतना था कि वन में रहने वाले ऋषि मुनि भी उससे बहुत ही परेशान थे। इसी तरह उसने ऋषि पराश की कुटिया तहस नहस कर दी। ऋषि पराशर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कर रहे थे। कुटिया के बाहर मौजूद सभी ऋषियों ने उसे भगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल ना हो पाए। इस समस्या का समाधान के लिए वो भगवान शिव के पास गए और उन्होंने सब कुछ बताया। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक फंदा फेंका। इस फंदे ने चूहे का पता लोक तक पीछा किया और पकड़ लिया और गणेश जी के सामने ले आए। गणेश जी ने बड़ी तिवाही की वजह जाननी चाही, लेकिन गुस्से से भरे उस चूहे ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए गणेश जी ने आगे चूहे से बोला, अब तुम मेरे आश्रम में हो, इसलिए जो चाहे मांग लो, लेकिन महर्षि पार्षर को परेशान ना करो। इस पर घमंडी चूहे ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हाँ अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। इस घमंड को देख के गणेश जी ने चूहे से कहा कि वो आपकी सवारी करना चाहते हैं। चूहे ने बात मानी और सवारी बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठे वो भारी भरकम वजन से दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो गया और उसने गणेश जी से बोला, गणपति बब्बा मुझे क्षमा कर दे, आपके वजन से मैं दब जा रहा हूँ। इस क्षमा याचना को स्वीकार कर गणेश जी ने अपना भार कम किया और इस तरह ये मुश्क गणेश जी की सवारी बना। और दोस्तों ये थी इसके पीछे की कथा कि कैसे एक चूहा बना भगवान श्री गणेश जी का वाहन। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ऐसे ही और रोचक तथ्यों को जानने के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत